गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो सारे। आई होप आप में से की तरह एकदम बढ़िया होगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गॉड गेमिंग ऑफिशियल की तरह थंबनेल्स बना सकते हो मोबाइल फोन की मदद से, यानी पिक्सल ऐप की मदद से आप कैसे एकदम गॉड गेमिंग ऑफिशियल की तरह थंबनेल बना सकते हो। वो यूज करता है कंप्यूटर का या फिर फोन का फोटोशॉप, यानी PSCC, या तो कंप्यूटर का फोटोशॉप यूज करता है या तो फोन का, मैं इतना गारंटी लेके बता सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में, जो कि दोनों एप्लीकेशन बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से सिखाऊंगा पिक्सल ऐप की मदद से कैसे बना सकते हो आप अपना थंबनेल, जो कि बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। और अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं आती तो आपको इसी में थंबनेल्स, अपने यूट्यूब थंबनेल्स बनाने चाहिए। तो ये चीज़ मैं इसमें पिक्सल ऐप में आपको दिखाऊंगा गॉड गेमिंग ऑफिशियल की तरह थंबनेल्स कैसे बना सकते हो, उसकी तरह टेक्स्ट को कैसे एडिट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हो, वीडियो को स्टार्ट करके आगे बढ़ा। भाई सबसे पहले आपको अपना पिक्सल ऐप ओपन करना है। इसी में मैं आपको बताऊंगा गॉड गेमिंग ऑफिशियल की तरह थंबनेल्स आप इसमें कैसे बना सकते हो। सबसे पहले मैं आपको लैंडस्केप कर देता हूँ उसमें, ताकि आपको पूरी स्क्रीन में आए। और यहाँ पर आपको पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इमेज साइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाकर आपको यूट्यूब चैनल थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है। यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करोगे, न्यू टैग से इसे डिलीट कर देना। और यहाँ पर हम अपना खुद का न्यू टैग्स ऐड करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ पर हमें टाइटल मतलब टैक्स में जो भी लिखना है। तो यहाँ पर मैं अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक की वीडियोस बना रहा हूँ, जो कि गॉड गेमिंग ने अभी जल्दी अपलोड करी। तो उस तरीके से थंबनेल आप सेम टू सेम पिक्सल लैब में कैसे बना सकते हो, उससे ज़्यादा ही क्वालिटी होगी, वो भी सिंपल तरीके से मैं पिक्सल लैब में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टैक्स लिख लेते हैं। तो उस तरीके से सेम टू सेम मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, क्योंकि उसने PSCC यूज़ किया था। मैं यहाँ पर आपको पिक्सल लैब में दिखा देता हूँ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक। तो ये लिख लेंगे टेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट यूज़ करना है, कौन सा, मैं फ़ॉन्ट बता देता हूँ आपको। फ़ॉन्ट का नाम है कॉमिकएक्स, तो ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है डायफ़ॉन्ट वेबसाइट से, कॉमिकएक्स ये वाला। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इसे आपको बड़ा कर लेना। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ करनी है, जिसका नाम है पैडिंग का ऑप्शन। इसकी लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग को 10-10 कर देना, ताकि हमारा टेक्स्ट कटे ना। फिर उसके बाद इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ ऊपर हेडिंग में लगा देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे आपको बीच में ले आना है यहाँ इससे रिलेटिव पोजीशन से, और इसको पोजीशन में इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको उसमें कलर में जाना है, कलर का ऑप्शन। और उसके बाद इसे एक ग्रेडेंट दे देना है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा ग्रेडेंट, ये वाला ग्रेडेंट दे देना है। अगर आपको ग्रेडेंट बनाने नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। तो सबसे पहले कोई सा भी कलर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना ग्रेडेंट का। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको यहाँ राइट साइड में दिखेगा, तो ये वाला ग्रेडियंट आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन मिलेगा, तीन कलर चूज़ करने, तो प्लस वाला आइकन पे बीच में आ जाएगा एक, और राइट साइड में यहाँ दोनों आ जाएगा। तो बीच वाले पे जाना और यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे जाना, यहाँ पे से इस तरीके से येलो कलर का फिल कर देना। फिर उसके बाद इस तरह वाले कलर पे जाना, इसको हम थोड़ा ऑरेंज कलर का शेड देंगे इस तरीके से। और इधर राइट साइड में जाओगे, इसे में ऑरेंज कलर का हम शेड देंगे। तो कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट हमारा रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपना ग्रेडियंट बना सकते हो। इस तरीके से आपको ग्रेडियंट बना लेना है, आप कोई से भी कलर का आप अपने हिसाब से बना सकते हो। फिर उसके बाद जाना है आपको इनर शेडो ऑप्शन पे, इनर शेडो को अनेबल करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन, इनर शेडो को आपको अनेबल करना है। और यहाँ पर येलो कलर का हम इनर शेडो देंगे, येलो कलर का देखते हैं। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं येलो वाला, खुद इनर शेडो दे देनी है येलो कलर की, रुक जाओ। फिर उसके बाद ब्लर रेडियस को आपको 5% कर देना है। यहाँ 5% हमने कर दिया, 5 या फिर 10% देख के कितना है, 10% भी अच्छा लग रहा है तो 10% ही ठीक है, बाकी 8 रख देते हैं। उसके बाद 8 रखने के बाद यहाँ पर हमें जाना है शेडोज के ऑप्शन पे, शेडो को आपको अनेबल कर देना है और ब्लर रेडियस को आपको एकदम जीरो कर देना है। और इसके बाद ऑफसेट वाई है, इसको आपको 5% कर देना है, 5 या फिर 10% जितना। तो यहाँ पर मैं 5% कर देता हूँ। और आपको कलर सेलेक्ट करना है येलो कलर, वो भी थोड़ा डार्क वाला, एकदम डार्क ये वाला, कुछ इस तरीके से येलो कलर सेलेक्ट करना है, डार्क वाला कुछ इस तरीके से, एकदम डार्क वाला कलर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी यहाँ ऑफसेट वाई को और भी बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से, 8% कर देना। उसके बाद यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया। अब हमें यहाँ पे एक शेप ऐड करनी है, जो कि ब्लैक कलर की होगी, इसे भी आपको ऐड कर लेना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ब्लैक कलर में इसे हम ऐड कर लेते हैं, ये देखो ब्लैक कलर में ऐड होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रोक ऐड करना है 5% का, और स्ट्रोक कलर यहाँ पर हमें वाइट कर देना है,
नीचे आपको स्ट्रोक कलर मिल जाएगा, इसे आपको व्हाइट कलर में देना है और स्ट्रोक विद को आपको 10% रख देना है। इसको बाद इतना डन कर देने के बाद इसे ये जो ब्लैक कलर की हमने शेप बनाई इसको नीचे ले जाना और इसको ऊपर के साइड कुछ इस तरीके से सेट कर देना, बाकी इन दोनों लेयर्स को लॉक लगा देना, फिर यहाँ पर हमारी लेयर कोई भी हिलेगी नहीं। तो इस तरीके से हमारा अपना पहला टेक्स्ट बना चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी इमेजेस ऐड करनी है जो कि आप बनाना चाहते हो, मतलब प्लस वाले आइकन पर जाके जो भी आपको लगाना है वो सारी इमेजेस आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा, तो इसे आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर वन बाय वन में इसमें आपको ऐड करना है, इसको क्रॉप कर लेना कुछ इतना क्रॉप कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको इतना सेट कर देना है। कोई भी आपको अपना स्क्रीनशॉट ऐड करना है, फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं और यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। अब आपको दूसरा स्क्रीनशॉट ऐड करना है ऐसे ही जैसे कि हमने पहला स्क्रीनशॉट ऐड किया इस बार, तो इसको भी आपको कुछ इसी तरीके से क्रॉप कर लेना है। इतना एडजस्ट कर देना है, इसको भी इसके नीचे ले जाना है और यहाँ पर सबसे नीचे ले जाना है, इसे भी। फिर दोनों लेयर्स को एकदम आपको एकदम अच्छे से एडजस्ट कर देना है साइड बाय साइड। फिर उसके बाद ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इन दोनों को ऊपर रख देना और ये जो दोनों लेयर्स हमने ऐड करी उसे टेक्स्ट के नीचे रख लेना और कुछ इस तरीके से हमारा ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पे जाकर शेप पे जाना है और शेप को एकदम मतलब यहाँ पर ऐड कर लेना है, शेप को लंबी सी लाइन एक ऐड करेंगे तो इसे कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे और इसे एकदम पतला सा कर देंगे और यहाँ बीच में इन दोनों के थंबनेल्स के बीच में इसे लगा देंगे और इस लाइन को भी इन दोनों टेक्स के नीचे ले जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें टेक्स लिखना है नूब और प्रो का, तो हम इसी टेक्स को कॉपी कर लेंगे, ये जो अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक था। फिर उसके बाद पेंसिल वाले आइकन पर जाके इसे हम चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर हमारा ये टेक्स आ चुका है। अब इसका ग्रेडियंट चेंज करना है तो हम इसका ग्रेडियंट चेंज कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं उसी तरीके से आपको ग्रेडियंट बना लेना और इनर शेडो भी इसका चेंज कर देना रेड कलर का, जो कि था यहाँ पर हम बनाया था कि रेड कलर का, तो उसे हमें रेड कलर में ही दे देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो इसमें शेडोज का ऑप्शन है उसे भी रेड कलर का कर देना और उसका भी ये कम कर देना। उसके बाद इस तरीके से हमारा नूब वाला टेक्स्ट बन गया। अब इसे डुप्लीकेट कर लेना नूब वाले टेक्स्ट को। अब यही सही हमें इसमें पेंसिल वाले आइकन पर जाकर तो इस साइड हम प्रो लिख लेंगे और यहाँ पर कहाँ गया, हाँ तो यहाँ पर आपको इसे भी ग्रेडियंट चेंज करना है, तो इसका ग्रेडियंट ये वाला ग्रेडियंट है। उसके बाद इसका इनर शेडो चेंज कर देंगे, इनर शेडो जो भी इसका ग्रीन कलर का इनर शेडो तो इसे भी चेंज कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको शेडोज पे जाएंगे, इसमें भी ग्रीन कलर करेंगे और उसकी ब्राइटनेस कम कर देंगे ग्रीन कलर की कुछ इतनी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा दोनों टेक्स रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंबल्स ऐड करने हैं जो कि आपको क्रोम ब्राउज़र मतलब क्रोम पे जाओगे, क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करोगे टिक और क्रॉस का तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, पीएनजी क्रॉस पीएनजी और टिक पीएनजी ऐसे सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको टेक्स के आगे प्रो वाले के आगे टिक लगा देना और नूब वाले के आगे कट लगा देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कट वाला भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखो जो नूब वाला टैक्स है मतलब इस पर सेलेक्ट करना, नूब वाले के साथ मर्ज कर देना, ये देखो मर्ज हो गया टैक्स और इसके साथ ये वाली जो लेयर है और इसे हमें मर्ज करना है, देखो सेलेक्ट हो गई। फिर उसके बाद इस पर क्लिक करना, इस पर सेलेक्ट पे, फिर उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेना और प्रो वाली को लेयर सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से कर देना। तो इन दोनों को भी हमने मर्ज कर दिया। अगर आप बोलोगे तो मैं पिक्सेल लैब पे पूरी ट्यूटोरियल ले आऊँगा अगर आपको पिक्सेल लैब चलाना नहीं आता। फिर प्रो वाले टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड करना है, नूब वाले टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेना है, बीच में रहता है। इसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पर आपको स्ट्रोक पे जाना है और स्ट्रोक आपको ब्लैक कलर का दे देना है, कुछ 5 विद रखना, बाकी कम रख सकते हो 1-2 का, तो 2% रख लेना और बाकी शेडो को अनेबल कर देना, शेडोज को आपको पूरा अनेबल कर देना। वैसे प्रो वाले टैक्स में भी है, स्ट्रोक आपको देना है ब्लैक कलर का और उसके बाद शेडोज को अनेबल कर देना, शेडोज को आपको अनेबल करके फुल कर देना। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा टैक्स
रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी टैक्स हो गया, ये भी टैक्स हो गया। तो इस तरीके से आप पूरा थंबनेल बना सकते हो, और यहाँ पे बीच में आप वर्सेस वाला भी लगा सकते हो, वो क्रोम ब्राउजर पर सर्च कर लेना VS PNG तो आपको मिल जाएगा। बाकी इस तरीके से आप पूरा प्रोफेशनल तरीके से गॉड गेमिंग ऑफिशियल की तरह आप थंबनेल्स बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ पिक्सेल ऐप की मदद से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपका दोस्त का भी कोई गेमिंग यूट्यूब चैनल है तो उसे भी जरूर से भेज देना ये वीडियो, क्योंकि उसके भी बहुत काम आएगी। व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो, और कोई भी सवाल हो मेरे बारे में या वीडियो के बारे में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए आप बोल जरूर से बता देना, क्योंकि टॉपिक की कमी हो रही है। आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हो ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।